चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है।
तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है, के बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नागौर से ये बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं।
और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर
नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ, तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ, तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक
मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है।
नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ, तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। सभी लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं।
बड़ी खबर नागौर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, यह हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है,
बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है, के बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है। यह सड़क हादसा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ, तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है। यह सड़क हादसा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ,
तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल बिना भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर में लिखी है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल बिना भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है।
नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है। के बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं।
बड़ी खबर नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है, वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ, तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है।
बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर में लिखी है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है। यह सड़क हादसा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर में लिखी है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरैलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है।
मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल बिना भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। नागौर से यह बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरैलाल बिना भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है।
नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर यह हादसा हुआ है, यह सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है और इसके बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे यह हादसा हुआ? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि महेंद्र तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा है वो तीन कारें आपस में टकराई हैं एक के बाद एक, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मंत्री सकुशल हैं, उनके घुटने में थोड़ी सी चोट आई है। इसके बाद उनको डॉक्टरों की ओर से चेकअप किया गया है निजी अस्पताल में और रवाना किया गया है। जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोधपुर रोड पर मंत्री की कार हादसे का शिकार हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया यहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। तीन कारों के बीच में टक्कर हुई है। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक मंत्री अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके साथ में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे, वे भी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि यहां से अब मंत्री लालचंद कटारिया दूसरी कार से रवाना हो गए हैं। की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नागौर की जोधपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री की कार समेत तीन कारों के बीच में टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। रिंग रोड के तिराहे पर यह टक्कर हुई है। मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कार में सवार बच्ची चोटिल हुई है। के बाद मंत्री और बच्ची को नागौर के निजी अस्पताल में चेकअप के बाद दूसरी कार में मंत्री को रवाना किया गया है। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है, कृषि मंत्री की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान हालांकि मंत्री लालचंद कटारिया के घुटने में मामूली चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में डॉक्टरों के चेकअप के बाद में रवाना कर दिया गया है। और इस कार में मंत्री मुरारीलाल मीणा भी साथ में कटारिया के सवार थे। नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले सबसे तेज देख पा रहे हैं।
बड़ी खबर नागौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार हादसे का शिकार हुई है। हालांकि गनीमत रही कि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोट नहीं आई है, उनके घुटने में मामूली चोट आने की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान इस हादसे में एक बच्ची को भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बहरहाल इस घटना के बाद में निजी अस्पताल में मंत्री का चेकअप किया गया और इसके बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ मंत्री मुरारीलाल मीणा भी इसी कार में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की कार दुर्घटना का शिकार हुई है, बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि लालचंद कटारिया को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कार का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीन कारें आपस में टकराई थी। वहीं गनीमत इस बात की भी रही कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में यहां पर मंत्री मुरारीलाल मीणा भी कार में सवार थे, वे भी सकुशल बताए जा रहे हैं। और अब लालचंद कटारिया और मुरारीलाल मीणा दूसरी कार से वहां से रवाना हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे